वेलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में मनी एंड बैंकिंग के इस सेशन में बात करेंगे कॉमर्शियल के बैंक बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमर्शियल बैंक डन करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस आज करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की फंक्शंस यानी एक्टिविटीज़ कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है कॉमर्शियल बैंक और उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फ़र्स्ट एक्टिविटी है डिपॉजिट्स पहले इसका यहाँ पे मतलब बताए तो मैं क्या होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का असेप्टिंग करना डिपॉजिट्स को जितने डिपॉजिट्स आते हैं डिपॉजिट्स deposit, के अलग अलग फॉर्म है उनको एक्सेप्ट करना किससे पब्लिक से सर्विस क्लास पीपल से बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट से इनसे डिपॉजिट गेट करना मनी के फॉर्म में और उन डिपॉजिट का यूज करना किस तरीके से बताया गया है तो यहाँ पे फोर पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं कौन कौन से यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया वो ये है कि बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का कि, कि किसी भी किसी भी कस्टमर से किसी भी सर्विस क्लास पीपल से यहाँ पे कोई से भी सेक्टर के बिजनेसमैन से या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट या पे उनसे मनी गेट करना डिपॉजिट के फॉर्म में वो अलग अलग फॉर्म है डिपॉजिट के किस तरीके डिपॉजिट है जिसमें ए पॉइंट बताया गया सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट सेविंग अकाउंट यानी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम स्मॉल सेवर्स या फिर नॉर्मल जनरल पब्लिक या सर्विस क्लास पीपल बैंक अकाउंट ओपन करवाती है और इनको इसके ऊपर एक लो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है आपने पैसा जमा कराया बैंक के अंदर बैंक के अंदर आपको बैंक के अंदर जैसे आपने मनी जमा कराया उसके हिसाब से आपको जितना मनी डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उस मनी के साथ पे इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट रेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट का जो इंटरेस्ट रेट होगा जो हमारा वो लो रहेगा मतलब कम इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स रेट होता है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सेविंग अकाउंट में स्मॉल सेवर्स के पैसा जो मनी होता है वो इंक्लूडेड यहां पे रहता है तो सबसे पहले जो बात करी गई है ओपन करवाया गया इन दिस बैंक पे इंटरेस्ट एट फिक्स रेट बैंक इंटरेस्ट रेट फिक्स रेशियो में पे करती है और इंटरेस्ट रेट जो होती है वो लो रहती है इस के इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बताया है सेकंड uh, पॉइंट बताया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में करंट अकाउंट करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है ऐसा अकाउंट जो टाइम टू टाइम मेंटेन होता रहता है किस तरीके से जैसे किसी का बिजनेस है बिजनेस के नाम से अकाउंट खुलवाया वो करंट अकाउंट डेली ट्रांजेक्शन हो गया इसमें ओवर फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है आप माइनस में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो भी जा सकता है आपका जो मनी का रेशो है वो भी जा सकता है माइनस के अंदर नेगेटिव uh, जा सकता है ओवर फैसिलिटी उससे कहा जाता है करंट अकाउंट होल्डर के जो होते holder, जो होते हैं अकाउंट अकाउंट होल्डर खुलवाते कॉमर्शियल बैंक, बैंक के अंदर वो किन किन के होते हैं जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए उनके बिजनेस के नाम से हो गए बिजनेस के हो गए अलग अलग बिजनेस के नाम से वो सारी चीजें इसमें बताई गई है सो इट रेफर्स टू द अकाउंट विच आर maintained by इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस whose daily डेली कैश are आर टन सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई कैश ट्रांजेक्शन डन होते हैं इनके इंडस्ट्रियलिस्ट के बिजनेसमैन के जिसके अंदर करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाया जाता है सी पॉइंट टाइम डिपॉजिट टाइम टू टाइम डिपॉजिट कराना फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जिसको हम टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट कहते हैं दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट इसको हम क्या कहते हैं टाइम डिपॉजिट कहते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमने डिपॉजिट करवा दिया सिक्स मंथ के लिए फॉर एग्जांपल सिक्स मंथ के लिए हमने डिपॉजिट करवा दिया तो वो कौन से डिपॉजिट कहलाएंगे वो डिपॉजिट कहलाएंगे हमारे टाइम डिपॉजिट डी पॉइंट है हमारा डिमांड डिपॉजिट दे आर सच डिपॉजिट विच आर विथड्रॉएबल बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम फ्रॉम द बैंक डिमांड डिपॉजिट डिमांड पे डिपॉजिट करवाया गया जो बैंक से विड्रॉ हुआ है हर बार जैसे रिकरिंग डिपॉजिट इस तरीके से होता है कि हर मंथ हर मंथ डिमांड हुई और उस तरीके से आपके बैंक में से अमाउंट लेस हो गया वो कौन से डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पे कहला जाते हैं डिमांड डिपॉजिट हमारे कहलाए जाते हैं तो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट की वापस से बात करते हैं या demand deposit की बात करते हैं जो डिपॉजिट विड्रॉएबल है depositor के द्वारा एट एनी टाइम फ्रॉम द बैंक इसके बाद जो हम बात करेंगे यहां पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा इसमें बताया गया है ग्रांटिंग लोन ग्रांटिंग लोन यानी कि लोन प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है मेजर फंक्शन है कॉमर्शल बैंक का इस केस में बैंक लोन प्रोवाइड कराती है जितने डिपॉजिट आते हैं उनके बिहार पे जितने डिपॉजिट्स आते हैं उनके पास उसके बाद लोन प्रोवाइड कराती है कौन कौन से सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कराती है मनी के फॉर्म में लोन प्रोवाइड कराती है कौन से सेक्टर्स को जैसे एजुकेशन का लोन जरूरी है एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराना व्हीकल लोन प्रोवाइड कराना मैरिज लोन प्रोवाइड कराना अदर लोन प्रोवाइड कराना होम लोन प्रोवाइड करना जो कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स को प्रोवाइड कराया जाता है ये सारे जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं ग्रांटिंग और लोन इसमें बैंक जो जिन जिन सेक्टर को मनी की फैसिलिटी चाहिए होती है जैसे अलग अलग सेक्टर्स हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल uh, सेक्टर्स के अंदर या फिर अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में मनी की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बैंक उस जरूरत को पूरी करता है लोन प्रोवाइड करा कर ओके okay? तो ग्रांटिंग लोन हमें पता था कि किस तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को uh, इसके बाद जो बताया गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट को क्रिएट करना वो ही किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करता है इट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट फंक्शन है देयर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू अर्न प्रॉफिट क्रेडिट क्रिएशन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा है हमारे जो बैंक होते हैं उनका है मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना थर्ड पॉइंट बताया गया कि इसमें बैंक एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम डिपॉजिटर जो बैंक होता है वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट दि, दिपोसित, डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हीं डिपॉजिट का जो मनी के मनी के फॉर्म में यूज करता है

इस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है कि कस्टमर से पहले डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट का यूज करना कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने में इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया फोर्थ पॉइंट एजेंसी सर्विसेज वॉट इज एजेंसी सर्विसेज़ डेट मीन एजेंट के रूप में काम करना सर्विसेज़ प्रोवाइड कराना अपने कस्टमर्स की हेल्प करना अपने बैंक अक्सेप्ट चैक्स एक्सचेंज बिल ड्राफ्ट एक्सेट्रा प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटी एक्सेट्रा इन फॉर्म ऑफ एजेंट एजेंट के फॉर्म में सारी जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है चेक प्रोवाइड कराने का काम करना बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराना ड्राफ्ट को प्रोवाइड कराना ये सारी सर्विसेज एजेंसी सर्विसेज की होती है इसमें दो तरह के चेक प्रोवाइड कराता है बैंक बी चेक और क्रॉस चेक बी चेक कौन से होते हैं जो इनकेशबल होते हैं जिनको जिन पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखवा कर और उसी को आप डिपॉजिट कर दो तो आपको यहाँ पे इनकैशेबल हो जाएगा कैश के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा जबकि क्रॉस चेक कौन से होते हैं जो पैरल लाइंस स्लांट लाइंस लाइन से क्रॉस क्रॉस चेक होते हैं और ये इसके ऊपर जो पे के अकाउंट में सीधा पेमेंट होता है यहाँ पे सीधा इस चेक से इस चेक ये चेक इनकेशबल नहीं होता इस चेक से सीधा थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के अकाउंट में मनी ट्रांसफर होता है तो हमने सेशन में पढ़ा है कि कौमेश्वर बैंक के कौन कौन से मेन मेन फंक्शन है फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सेप्टिंग सेकंड हमने पढ़ा ग्रांटिंग लोन थर्ड हमने पढ़ा क्रिएशन एंड फोर्थ हमने पढ़ा एजेंसी